Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you are preparing for your upcoming exams. तो exams जब आने वाले होते हैं ना तो बड़ा डर सा लगता है कि what if we fail this time या what if paper tough आ गया. ऐसे बहुत सारे questions हैं जो दिमाग में चलते हैं, specially for our CS students जिनके exams में approximately 10 to 11 days रह गए हैं. वो और भी ज़्यादा डर रहे हैं कि क्या होने वाला है. आखिर के कुछ दिनों में ना बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घूमने लग जाती हैं एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं हम उन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. यू नो, टुडे आई टेल यू हाउ यू योर सेल्फ ओनली मैनिफेस्ट पास और फेल इन योर एग्जाम्स. बट बिफोर दैट, इफ़ यू न्यू टू माई चैनल, हाई, एम सी एस जसप्रीत धंजल. आई एम एन अनअकैडमी प्लस एजुकेटर फॉर सी एस ई टी एंड सी एस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स. फील फ्री टू चेक द कॉन्टेंट आई क्रिएट बिकॉज हियर आई गाइड सी एस सी एस सी एम एस स्टूडेंट्स. And feel free to subscribe to my channel and hit the bell icon right next to it so that whenever I upload a video, you get notified. Manifest. बड़ा फैंसी सा वर्ड लगता है आजकल ना. ये वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं. तो क्या ये चीज़ें एक्चुअली में काम करती हैं या कैसे काम करती हैं, उसमें मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. राइट, सो हाउ यू ओनली या हम खुद कैसे चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं. देखो, अभी जो कुछ आखिर के दिन रह गए हैं, प्रोवाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपने अच्छे से प्रेपरेशन कर ली है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है, आपने रिविजन भी कर ली, यू नो, सब कुछ, यू हैव डन एवरीथिंग, राइटिंग प्रैक्टिस भी कर ली, इसके अलावा जो जो चीज़ें चाहिए थी आपने सब कुछ कर लिया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा होगा कि वॉट इफ़ आई फेल, यू नो, वॉट इफ़ आई पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया. और कहीं ना कहीं कई बार ही क्या होता है, कुछ बच्चे तो ऐसा ना थॉट आया फिर चला गया, चलो छोड़ो, पढ़ने लग गए, भूल गए. कुछ बच्चे उस थॉट को अपने अंदर रजिस्टर कर लेते हैं एंड समहाउ दे स्टार्ट लिविंग विद दैट थॉट. फिर धीरे 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 ये चीज़ उन्हें लगने लग जाती है कि मुझे कुछ नहीं आता, पेपर एक्चुअली में टफ आ रहे हैं. राइट, पेपर अगर ईजी भी आएगा ना तुम्हें टफ लगेगा बिकॉज तुमने कहीं ना कहीं अपने माइंड को वैसे प्रोग्राम कर लिया है कि पेपर टफ ही आएगा. राइट, या मैं ये बोलूँ कि मुझे पैनिक हो रहा है. राइट, कभी हो सकता है पुराने किसी अटेम्प्ट में आपको पैनिक हुआ हो या आपने आपको डर लगा हो, अगेन योर फीलिंग वैसा ही होने वाला है, वैसा ही होने वाला है. उन चीज़ों को ना हम एक्चुअली अपनी तरफ जब अपने अंदर उस चीज़ को रजिस्टर कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें वैसे ही होने लग जाती हैं. एंड ट्रस्ट मी, दीज थिंग्स हैपन. आप कभी अपने इंसिडेंट्स को देखना, ऐसा हुआ होगा. बड़े सारे ऐसे बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट उनका प्रेजेंटेशन लेवल उतना अच्छा नहीं होता. उनकी लाइफ में हम देखेंगे कि अचीवमेंट्स के तौर पे ना वो इतना ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाते जितना हमें लगता था कि इनमें बहुत कैपेबिलिटी है, तो बहुत मेहनत करते हैं. ऑन द अदर हैंड कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करते बट हम कहते हैं दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट. जब बात प्रेजेंटेशन की आती है ना तब वो डरते नहीं है, घबराते नहीं है. सो वॉट इज़ द मेन डिफरेंस, क्या आपको लगता है? आप सब जब एक बार एक लेवल से निकल जाओगे तो आपको पता चलेगा कि जैसे स्कूल्स में हम देखते थे कि कई बच्चे बहुत ऐसे टॉपर होते थे बट धीरे धीरे लाइफ में वो इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते, और वो बच्चे जो इतने टॉपर नहीं होते थे ना लेकिन लाइफ में दे आर डूइंग लाइक fantastic at this point of time. So what is the main difference? The main difference is mindset. The main difference is ki wo shakhs jise aisa lag raha hai ki I can do it, he is doing it, he or she, what may be, right? Aur wo shakhs jise lag raha hai ki nahi maine mehnat kari but nahi hoga, wo nahi hi hota. And trust me, this happens. Aajkal ke culture mein na hum actually western culture se bahut zyada प्रभावित हो चुके हैं. सो नाउ वी यूज़ द वर्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन. राइट, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, यू नो, अच्छा अच्छा सोचो. अगर आपने कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पढ़ा होगा, आपने हमेशा पढ़ा होगा बी पॉजिटिव सुना होगा, एज इन बी पॉजिटिव. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कम्स फ्रॉम अ वेस्टर्न कल्चर, लेकिन आपने अपने घरों में ज़रूर अपने पेरेंट्स के मुँह से ये बात सुनी होगी कि कभी भी अपने लिए गलत मत बोलो बिकॉज ज़ुबान पे ना माँ सरस्वती बैठी होती हैं, तो कभी कभी बोली हुई बात ना सच हो जाती है. आपने बिल्कुल सुना होगा, लाइक मैंने अपने घर में बहुत बार सुना है. तो हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा ही बोलो, और अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो कुछ मत बोलो लेकिन अच्छा बोलो. आप देखते हो ना कभी कभी हम कहते हैं अरे ज़ुबान पे कही हुई बात सच हो गई, कभी कुछ बुरा बोला सच हो गया, यू नो दैट हैपन्स. इन द सेम वे हमारे लाइक इन पंजाबी हाउस होल्ड्स, सो इन पंजाबी हाउस होल्ड्स मैंने क्या सुना है वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देती हूँ. सो हमारे घर में जैसे अगर आप पाठ करते हो ना तो उसमें लिखा हुआ है बोता कहिए बोता होए, विच मीन्स कि अगर आप ज़्यादा अपने लिए मांगते हो, ज़्यादा अच्छा बोलते हो, उससे भी अच्छा आपकी लाइफ में होता है. सो आई डोंट थिंक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई ऐसी नई चीज़ है जो आपने देख ली और आपको पता नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ सम
समथिंग जो हम अपने घरों में एक्चुअली सुनते हैं. हमने अपने पेरेंट्स से ये बात हमेशा सुनी है कि कभी भी मुंह से अपने लिए कुछ गलत नहीं बोलना चाहिए. उससे क्या होता है ना, जब हम बोलना शुरू कर देते हैं वही हम सोचना शुरू कर देते हैं. सो समहाउ इट इज़ लाइक कि अगर हम अच्छा बोलते रहेंगे या अगर नेगेटिव है तो बोलेंगे नहीं, तो समहाउ हम अपने आप को पॉजिटिवली यू नो ट्रेन करना स्टार्ट कर देते हैं. और ऑफकोर्स आई डोंट मीन पॉजिटिव बाय टॉक्सिक पॉजिटिविटी, बट पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट. ये जो आखिर के कुछ दिन होते हैं ना, ये बच्चों को या तो बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार कर देते हैं. यू नो वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ रहे होते, वो भी आप देखोगे वो क्लियर कर जाते हैं, बिकॉज उनके दिमाग में ना वो पॉजिटिविटी है. उनके दिमाग में इस थॉट से ज़्यादा वॉट इफ आई फेल वाला थॉट नहीं, इसे ओवर पावर कर देता है ये थॉट वॉट इफ आई पास. वो ये सोचते हैं कि कोई बात नहीं, कम पढ़ा है तो कोई बात नहीं, दे देते हैं, कोई बात नहीं, फेल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन व्हाट इफ आई पास, अगर पास हो गए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. सो व्हाई नॉट, राइट, व्हाई नॉट टू टेक दैट रिस्क. इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी चीज़ का अगर रिस्क है, अगर हारने का रिस्क है तो जीतने का भी तो वो रहेगा ना, अपॉर्चुनिटी होती है. सो व्हाई नॉट टू गो अहेड. ये वो बच्चे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे हमारे प्रोफेशन में, हमने अपने आस पास ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे होते हैं जो पढ़ते इतना ज़्यादा नहीं है, यू नो अपने एंड से, जो शुरुआत में शायद इतना नहीं पढ़ते बट टूवर्ड्स एंड अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वो खुद में भरोसा करते हैं, सेल्फ बिलीव रखते हैं. ऑन द अदर हैंड वो बच्चा जो इतना पढ़ रहा है, इतना रिवाइज कर रहा है, फिर भी वो क्यों क्लियर नहीं कर पा रहा, बिकॉज उसके दिमाग में ये थॉट उसने अच्छे से रजिस्टर कर लिया. अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, किसी ने बोल दिया अटेम्प्ट बहुत डिफिकल्ट है, किसी ने बोल दिया यू नो कि इस बार तो नया पैटर्न आ रहा है, वो चीज़ें ना कहीं वो अपने दिमाग में ओवर पावर कर रहा है. सो इसीलिए जो भी तुम सोचते हो समहाउ, या जो भी तुम बोलते हो समहाउ, इट गोज आउट टू द यूनिवर्स व्हाट इट सेज, राइट. हमारे पेरेंट्स ने भी हमें यही चीज़ सिखाई है, तो इसीलिए कभी भी खुद के लिए बुरा नहीं बोलना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. जो आखिर के दिन है, प्लीज़ फेल होने के बारे में मत सोचो, राइट. जाने या अनजाने आप उस चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, पास होने के बारे में सोचो. और अगर नहीं सोचा जा रहा तो कुछ भी मत सोचो, बस पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करो, दैट्स इट. कभी भी ये थॉट आ रहा है अरे फेल हो जाएंगे, तो ये सोचो अरे पास हो जाएंगे, है ना, पढ़ के जितना पढ़ा पास हो गए फिर तो बहुत मज़े रहेंगे, ठीक है, पास होंगे अगले लेवल पे पहुंच जाएंगे. ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. और कहीं ना एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब हम पॉजिटिव सोचते हैं ना, तो हमें ना हम मोटिवेट भी करते हैं खुद को, और हम पढ़ने के लिए इनकरेज भी करते हैं. आप बहुत सारे लोगों को जिन्हें आप बोलते हो कि ये लोग बड़े इंस्पिरेशनल हैं, इनकी लाइफ में इतना कुछ हुआ बट स्टिल दे आर स्टैंडिंग टॉल, ऐसा कैसे है, यू नो, और वो आगे लोगों को मोटिवेट करते हैं बिकॉज दे थिंक पॉजिटिवली. उनके दिमाग में ये चीज़ है. सी एवरी सिचुएशन हैज़ नेगेटिव्स एंड इट्स ओन पॉजिटिव्स. लेकिन जो इंसान नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाता है, वो अपनी लाइफ में पीछे जाता है, राइट. वो अपनी लाइफ में खुद भी डीमोटिवेट होता है और आगे बढ़ने की उसमें वो नहीं रहती, यू नो, आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन या इंकरेजमेंट नहीं रहती. ऑन द अदर हैंड जो इंसान ये सोचता है कि अच्छा ये सिचुएशन में ये चीज़ नेगेटिव है बट ये पॉजिटिव भी तो है, राइट, लेट्स ट्राई फॉर दैट. क्या पता पॉजिटिव में मैं बहुत ज़्यादा यू नो आगे बढ़ जाऊँ, क्या पता मैं अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर लूँ. दैट इज़ हाउ यू नीड टू डू. और ये वही लोग होते हैं, ये वही लोग हैं जो जिनके सामने वो ये सोचते हैं कि नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है, राइट. अगर आप ये सोचते हो पेपर डिफिकल्ट आया, यू नो मैं कैसे अटेम्प्ट करूँगा, तो आप ये सोचो पेपर डिफिकल्ट आया तो मैंने भी तो तैयारी करी है, राइट. और हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि हमने पॉजिटिवली सोचना है. पेपर हमेशा एक जैसे ही होते हैं. ये जो बातें आती है ये अटेम्प्ट मुश्किल है, ये अटेम्प्ट ईजी था, वो जो बच्चे देते हैं ना पेपर उनसे पूछा करो, हर एक अटेम्प्ट बच्चे के लिए डिफ़िकल्टी होता है, राइट. बट हमने अच्छा सोचना है. सो आखिर के 10 दिनों के लिए आपका ये टास्क है कि कभी भी दिमाग में नेगेटिव थॉट आए बस उसको भगा दो, राइट, भगाओ और पॉजिटिव थॉट के बारे में सोचो, अच्छा अच्छा सोचो. ट्रस्ट मी इट विल इम्पैक्ट द वे यू प्रिपेयर, द वे यू प्रेजेंट एंड द वे यू विल स्कोर इन द एग्जाम्स. ट्रस्ट माई वर्ड्स, ओके. आई होप कि आज आपको अच्छा लगा हो, मोटिवेटेड लगा हो. ये जो कुछ दिन है बस आराम से पढ़ाई करो, कोई बात नहीं सोचनी, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचनी, बोलनी तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, अगर सोचना है तो अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, अच्छा अच्छा बोलो, ओके. आई विल सी यू सुपर सून इन अदर वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन. बाय बाय.